पे डॉक्यूमेंट आपको, ये कौन सी बार कहलाती है? ये कौन सी बार कहलाती है? स्टेटस बार। कौन सी बार? स्टेटस बार, कि आपका कर्सर कौन से स्टेटस पे खड़ा हुआ है, ठीक है, ये स्टेटस बार कहलाती है। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम पेज ऐड करते हैं तो अब यहाँ पे क्या बता रहा है, पेज 3 हो गए, पेज 4 हो गए, पेज 5 हो गए। जितने पेजेस आप ऐड करते जाएंगे उतने आपके पेज ये उसमें डॉक्यूमेंट में ऐड होते जाएंगे। दूसरी चीज़, हम आगे पुरानी डॉक्यूमेंट में, मैं चाहता हूँ मेरे पास ये चार फंक्शन, चार जो रूल्स हैं वो इसी पेज में रहें, ये पांचवें से लेकर बाकी नीचे चले जाएं, तो मैं क्या करूँगा, इंसर्ट में जाकर, पेज में जाकर पेज ब्रेक कर दूँगा। तो क्या हुआ, देखें मेरे जो पांचवा रूल था वो इस पेज में नहीं रहा बल्कि वो दूसरे पेज में चला गया है। जहाँ से मैं डेटा को ब्रेक करूँगा वहाँ से आपका डेटा नीचे चला जाएगा। बेसिकली मैंने आपको बताया था ये व्यू थोड़ा सा आगे चलता है, ये हम रखते हैं रीडिंग मोड में रख सकते हैं, या इसमें हम व्यू का एक फंक्शन आता है, वेब लेआउट में भी आप इसको चेंज कर सकते हैं। देखें ये वेब लेआउट है, लेकिन ये बाद में आएगा आगे, इसलिए मैं आपको अभी नहीं बता रहा क्योंकि अभी ये समझ में नहीं आएगा। थोड़ा सा आगे चलकर ये पूरी एक टेब हम इसको पढ़ेंगे इंशाल्लाह, कि जब हम नॉर्मल व्यू पे काम करते हैं तो किस तरीके से हम पेज ब्रेक करके उसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। टेबल हमारे पास है, देखें नई फाइल मैंने ले ली, इंसर्ट, देखें इस तरफ जैसे मैं माउस ले जाऊंगा ये क्या बनती जा रही हैं, रोज़ बनती जा रही हैं। क्या बनती जा रही हैं? रोज़ बनती जा रही हैं। और जिस जैसे मैं इस तरफ आऊंगा ये क्या बन रहे हैं, कॉलम्स बन रहे हैं। मैं यहाँ से, मुझे जितने रोज़ और कॉलम्स का टेबल बनाना है मैं उसको यहाँ तक क्लिक करूँगा और ये टेबल मेरे पास ड्रॉ हो जाएगी, ठीक है। क्या हो गया, टेबल ड्रॉ हो गई, ये इसकी प्रॉपर्टी है, इसको हम बाद में छेड़ते हैं। फ़िलहाल हम टेबल इंसर्ट के जो है वो चीज़ें देख लें कि कैसे हमने टेबल इंसर्ट करना है। दोबारा हम जाते हैं, एक ये तरीका था कि डायरेक्ट आपने यहाँ से रोज़ एंड कॉलम दिए, एक ये तरीका है इंसर्ट टेबल करने का, जिस पर आप यहाँ से नंबर ऑफ़ कॉलम्स एंड नंबर ऑफ़ रोज़ मेंशन कर देंगे तो आपका टेबल ये ऑटोमेटिकली क्रिएट कर देगा, ठीक है। एक तरीका टेबल इंसर्ट करने का ये है। दूसरा हमारे पास है ड्रॉ टेबल। ड्रॉ टेबल में आप अपने टेबल को खुद ड्रॉ करते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने पहले इसका बॉर्डर ड्रॉ किया कि इतना बड़ा मुझे